I love you, Priyanka. ये है धर्मपाजी का अब तक का सबसे बड़ा कन्फेशन। धर्मपाजी ने भरी महफिल में मीडिया के कैमरों के सामने कर दिया अपने इश्क का इजहार। I love you, Priyanka. दरअसल हुआ यूं कि धर्मेंद्र पहुंचे आईफा के एक इवेंट में, जहां पर वाइट स्टनिंग ड्रेस में पहुंची थी प्रियंका चोपड़ा भी। धर्मेंद्र प्रियंका की पर्सनालिटी को देखकर हुए काफी इम्प्रेस और इस बात से वो काफी खुश थे कि उन्हें ऐसे यंग और टैलेंटेड स्टार्स के साथ आईफा जाने का मौका मिल रहा है। I'm especially going there to be with all the talented new youngster boys and hot pretty girls. So that will keep me again young and strong. I love you, Priyanka. शाहिद, कहीं आपको आग तो नहीं लग गई? यार मैं एक्टिंग ठीक ठाक कर लूं पहले। क्योंकि जो आपने कभी खुलकर नहीं बोला वो बोलने में धर्मपाजी कोई शर्म नहीं कर रहे हैं। I love you, Priyanka. फिल्म प्यार का पंचनामा को सेंसर बोर्ड से नहीं मिल पा रहा है UA सर्टिफिकेट और इस बात से काफी नाराज है फिल्म के डायरेक्टर। मैं आज बिल्कुल बोलने को तैयार हूँ कि ब्रजमोहन शर्मा जी, मैंने आपको कोई धमकी नहीं दी थी, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जितनी परेशानी मुझे आपकी इस बेवकूफी की वजह से हुई है, उसके बाद अगर तू अब मिल गया ना, कुत्ते की तरह मारूंगा। ये हैं आज रिलीज हुई रोमकॉम प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर लव रंजन, who had loggerheads with the censor board over a promo of the movie. मूवी के प्रोमो में था एक स्लग which said screw love and censor board करना चाहता था उसको चेंज। Screw doesn't always have a sexual connotation, which they fail to understand. I don't know why. And the funny part was that I'm making an anti-love film and they told me कि आप screw love को true love क्यों नहीं कर देते? बस लव रंजन सेंसर बोर्ड की इस बात से इतना खफा हैं कि उन्होंने सेंसर बोर्ड को कैंसर तक कह डाला। I maintain censor is cinema's cancer. ये देखकर कहना गलत ना होगा कि बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड से पंगा लेने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डॉग के साथ किया फोटो शूट बट फॉर अ गुड कॉज और हम आपको दिखाते हैं इस शूट की कुछ ग्लिम्सेस। और अब हम आपको मिलाते हैं इमरान खान के एक नए दोस्त से, जिसके साथ इमरान जम कर रहे हैं मस्ती। अपने मुंह से डॉग को बिस्किट खिलाते इमरान खान, डॉग के साथ जम कर मस्ती करते इमरान खान। आप कहेंगे कि इमरान खान डॉग के साथ ये मस्ती क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें इसके पीछे की स्टोरी। दरअसल इमरान खान ने पीटा के लिए किया है ये फोटो शूट और इस फोटो शूट को करते हुए इमरान ने हमारे साथ शेयर किया अपने लाइफ का एक्सपीरियंस भी, कि कैसे उन्होंने एक डॉग को सड़क पर घूमते हुए अपना दोस्त बना लिया था जो अब उनके साथ नहीं रहा। A friend of mine found this dog roaming around in Bangalore near my house. He had a collar and a leash on, so I figured that somebody had lost their dog. I filed a police complaint saying that we had found a lost dog and we had a photograph of him in case anyone is looking. And somebody there recognized the dog and said, I know whose dog this is, and they told me where the person lived. And I went to their house and told them that I had found the dog. And the guy said, yeah, he was misbehaving, so I threw him out of the house. So I figured that he didn't really want him, so I took the dog home myself. इमरान खान की स्टोरी को सुनकर वी होप पीपल मस्ट गेट स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट्स फॉर एनिमल्स। शाहरुख खान ने किया एक एड के लिए फोटोशूट जिसमें शाहरुख उसी अवतार में नजर आए जिस अवतार में शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत की थी। याद कीजिए शाहरुख का ये फौजी वाला अवतार जिसे शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन अब ऐसा ही अवतार शाहरुख ने एक बार फिर से अपना लिया है, वो भी एक टूथपेस्ट ब्रांड के लिए। ये देखिए, वैसे इस एड शूट के लिए शाहरुख फौजी अवतार के साथ साथ कई और नए अवतार में भी नजर आए। ये है शाहरुख का रावण लुक, ये है शाहरुख का बड़ी बड़ी मूंछों वाला लुक और इस लुक में शाहरुख पिंक कैप के साथ लग रहे हैं कुछ हटके। लेकिन इन सब लुक्स में सबसे खास और बिंदास है सिर्फ फौजी वाला लुक। क्यों शाहरुख, सही कहा ना? संजय दत्त बहुत नाराज है इस बात से कि उनकी फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक में माधुरी दीक्षित को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि संजय लेना चाहते हैं ऐश्वर्या को।
फिल्म सत्ते पे सत्ता का बनाया जा रहा है रीमेक, जिसमें डायरेक्टर सोहम शाह ने माधुरी दीक्षित को कास्ट करने की बात कही थी, लेकिन अब इस बात से नाराज हो गए हैं संजय दत्त। जी हां, मुंबई के एक लीडिंग टैब्लॉइड की माने तो संजय दत्त इस बात से बहुत नाराज हैं कि फिल्म के डायरेक्टर सोहम शाह ने बिना उनसे पूछे माधुरी दीक्षित का नाम फिल्म के लिए फाइनल कर दिया। दरअसल संजय दत्त इस फिल्म के लिए सबसे पहले काजोल को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन काजोल अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होने की वजह से फिल्म को नहीं कर पाएंगी। अगर काजोल नहीं तो संजय दत्त ऐश्वर्या को कास्ट करना चाहते थे, पर ऐश्वर्या के साथ भी कुछ डेट्स के इश्यूज हैं, इसलिए संजय अभी ऐश्वर्या के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं। पर डायरेक्टर सोहम शाह ने बिना संजय दत्त से पूछे ही माधुरी दीक्षित का नाम फाइनल कर लिया। वेल, अब देखना ये होगा कि फिल्म में किसकी चॉइस फाइनल की जाती है, डायरेक्टर सोहम शाह की या फिर प्रोड्यूसर संजय दत्त की। डायरेक्टर राकेश रोशन करण जौहर से बहुत नाराज है, बट ही हैज अ वैलिड रीजन फॉर दिस। राकेश रोशन नाराज हैं करण जौहर से, और जूम आपको बताने जा रहा है क्या है इसकी वजह। दरअसल ऋतिक रोशन ने हाल ही में करण जौहर के साथ फिल्म अग्निपथ के कई सीन्स शूट किए हैं, और अब ऋतिक अपने पापा राकेश रोशन के साथ मिलकर शुरू करने जा रहे हैं फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग। लेकिन खबर में ट्विस्ट ये है कि जैसे ही ऋतिक रोशन ने अपनी डेट्स क्रिश 3 के लिए फिक्स की, वैसे ही करण जौहर ने ऋतिक से गुजारिश की फिल्म के कुछ सीन्स को एक बार फिर से शूट करने की। जी हां, जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि करण जौहर नहीं है खुश अग्निपथ के लिए किए गए कुछ सीन से, और इसीलिए वो सीन्स को दोबारा शूट करना चाहते हैं। लेकिन अब तो ऋतिक की डेट्स राकेश रोशन की फिल्म क्रिश 3 के लिए फिक्स हैं। बस इसीलिए करण जौहर नाराज है राकेश रोशन से। फिल्म हीरोइन को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें आ रही हैं। वेल, अब इन सभी खबरों पर सफाई देने जूम पर आ गए हैं फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर। फिल्म हीरोइन के साथ लगता है कंट्रोवर्सी का नाता पुराना है। पहले करीना को साइन करने की खबरें उड़ती रहीं, और अब जब ऐश्वर्या को साइन कर दिया तो उसके साथ ही कई कंट्रोवर्सीज सामने आ गईं। लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सीज पर सफाई देने के लिए जूम पर आ गए हैं फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर। कॉन्ट्रोवर्सी नंबर वन, फिल्म में होगा ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान की रिलेशनशिप का सीन। यू नो, यू कुड मेक एनी कनेक्शंस वर्ल्ड वाइड, बिकॉज़ यू नो द फैक्ट इज दैट when you are an actress and when you are in the film industry anywhere in the world, it could be it could be Hollywood, it could be British cinema, it could be Korean, could be Japanese, could be Indian cinema, you go through certain experiences that are quite common. Directly nahi, lekin indirectly to Siddharth Roy Kapoor ne confess kar hi liya ki kuch is tarah ka scene film mein zarur hoga. Controversy number 2, करीना के लिए स्क्रिप्ट में चेंजेस ना करने की बात बोलने वाले डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने सिर्फ ऐश्वर्या के लिए किए स्क्रिप्ट में चेंजेस। Sure, there have been some changes, just keeping in mind the difference between the actresses. So someone like Aishwarya playing a role needs to be molded in a certain manner, and you've got to have your character also be represented in a certain manner. मतलब ये कि आखिर कभी स्क्रिप्ट ना बदलने की बात कहने वाले डायरेक्टर ने आखिर स्क्रिप्ट बदल ही दी। कॉन्ट्रोवर्सी नंबर 3, फिल्म के फर्स्ट लुक की पिक्चर एक पुरानी पिक्चर है जिसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए क्लिक करवाया था। Yes, it is true. The thing is that we wanted a photograph that looked exactly like a film magazine close-up photograph looks. And we didn't have the time for a photo shoot, but we wanted to give the audience a sense of what the film would be about. So this was the best opportunity to do that. मतलब साफ है कि पोस्टर भी किया गया था कॉपी। Now we show you the latest pictures from B-Town. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन लेकर। सो हियर वी गो। ये है सोनम कपूर की कान फिल्म फेस्टिवल में ऑफ द रेड कार्पेट पिक्चर्स, जिसमें कहीं पर वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रही हैं, तो कहीं पर वो रेड कार्पेट वॉक के लिए कर रही हैं मेकअप। और ये है कान फिल्म फेस्टिवल की डिनर पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन की स्टनिंग पिक्चर्स, जिसमें ऐश्वर्या ब्लैक और व्हाइट ड्रेस में है। और अब जरा इन पिक्चर्स पर नजर डालिए। ये है फ्रीडा पिंटो और देव पटेल एट द कान फिल्म फेस्टिवल। वेल, यहाँ हमें देव पटेल तो लाइट ब्राउन सूट में अच्छे लगे, लेकिन फ्रीडा पिंटो की ये अजब गजब ड्रेस कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। एंड देयर आर लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ मलिका शरावत फ्रॉम कान फिल्म फेस्टिवल, जिसमें व्हाइट गाउन में दे रही है डिफरेंट डिफरेंट पोजेस। Well, ये थी हमारी आज की लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, बट वी विल कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, सो कीप वॉचिंग।
और अब हम आपको देते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट की फुल अपडेट। Aishwarya Rai Bachchan walked the famed red carpet for the 10th time in her career at the 64th Cannes Film Festival that opened on Wednesday. The stunner kicked off the festival opening ceremony in a one-shoulder dress that made heads turn. Ash donned the makeup, which was quite subtle, keeping the focus on her mesmerizing eyes and accentuated her features. The gorgeous lady, who's a regular at Cannes, flattered everyone with her million-dollar smile as well. Walking the Cannes red carpet for L'Oreal on the second day, Aishwarya stole the show as she made her presence felt at the red carpet in a classic couture gown. Have a look. Aishwarya Rai Bachchan was sporting the Lore 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 look by L'Oreal Paris. So har baar ki tarah, is baar bhi Aishwarya Rai Bachchan ka Cannes Film Festival mein jadu jamkar chala. Aur ab aisi khabar jise dekhkar aapko shayad thoda dar lag sakta hai. Aur khabar ye hai ki kal Zoom ke office mein bhi aaya tha Ragini ka bhoot. यकीन मानिए हम मजाक नहीं कर रहे। देयर इज समथिंग जिन पर हम भरोसा नहीं करते जब तक वो हमारे साथ नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ कल जूम के ऑफिस में जब रागिनी पहुंची मुंबई जूम के ऑफिस में इंटरव्यू देने। दरअसल हुआ यूं कि रागिनी जैसे ही इंटरव्यू देने बैठी अचानक से लाइट की स्पार्क होने की वजह से स्टूडियो में आग लग गई जिसे शूट 2 घंटे तक डिले हो गया। I don't know why and how it's happening, it's really strange. But a lot of people thought that these were publicity stunts that we were doing for the film. But today, you know, in your office, it's happened. यही नहीं, रागिनी मतलब कायनास के जाने के बाद भी Zoom के editor in chief Omar Qureshi के show के set पर हुआ एक minor incident. एक lamp गिर गया and it hurt an intern's lower back. इन सारे incidents से even कायनास भी है worried and she's requesting the co-stars to leave her now that the movie's over. Everywhere I go, something weird has been happening ever since we started shooting for Ragini MMS. So I just want to tell the ghost to how it's free from its home. So ab khatam ho gayi, film release ho gayi, please. Film 2 Dhuni 4 ko mila National Award aur ab is film ka sequel banaya jayega. Well, ye baat phone par Zoom ko exclusively batai Rishi Kapoor ne. रणबीर कपूर के पेरेंट्स ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर की फिल्म 2 Dhuni 4 को मिला नेशनल अवार्ड। जब इस बात पर हमने कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए ऋषि जी और नीतू जी को न्यूयॉर्क में कॉल किया तो मिस्टर कपूर साउंडेड वेरी एक्साइटेड ऑन रिसीविंग द नेशनल अवार्ड एंड ही रिवील्ड टू Zoom कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म का सीक्वल बनाने की इच्छा जाहिर की है। यहाँ के जो बॉसेस हैं डिज्नी के बॉसेस, उन्होंने हमें जिस दिन हमें अवार्ड मिला उसी दिन कहा कि ये दिस फिल्म डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी मेड इनटू अ सीक्वल। ऋषि जी से बात करके रेवलेशन ये हुआ कि ऋषि जी साउंडेड वेरी अपसेट द वे फिल्म को इंडिया में रिलीज और प्रमोट किया गया था। उनके मुताबिक खराब प्रमोशन की वजह से फिल्म को ज्यादा लोग देखने नहीं आए। ये हमारी कंपनी ने डिज्नी ने इसे फिल्म को सही तरीके से प्रमोट नहीं किया, सही तरीके से रिलीज नहीं किया। दिस फिल्म हैज टू हैव अ सेकंड वर्जन। एनीवे नाउ सिंस द फिल्म हैज गॉट द नेशनल अवार्ड वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द कपूर फैमिली।